बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आवर्स इन ए डे। ठीक है, तो दूसरा तो हम यहाँ पर सीखेंगे कैलकुलेट ओवर टाइम, ये भी हम आज सीखेंगे। तीसरा हम सीखेंगे यहाँ पर कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ आवर्स। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये डेटाबेस आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आईडी नंबर लिखे हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉयज लिखे हैं, डिजिग्नेशन लिखी है, डेट लिखा है, स्टार्ट टाइम लिखा है, एंड टाइम लिखा है, वर्किंग आवर्स लिखा है, और आवरली रेट लिखा है, ओवर टाइम लिखा है, ओवर टाइम रेट लिखा है, टोटल अमाउंट लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आईडी नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉयज मैंने लिखे हैं, उसके बाद डिजिग्नेशन मैंने लिखे हैं। डिजिग्नेशन यानी कि कौन सा पर्सन किस पोस्ट पर वहाँ पर काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी में। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डेट देना है। डेट देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट देने के लिए सबसे पहले आज हम डेट देने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट की फॉर डेट कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। ठीक है, चलो यहाँ पर हम सीखेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखना है, सेमी कोलन को प्रेस करना है, तो यहाँ पर डेट आया है। ठीक है, उसके बाद यही डेट आपको यहाँ पर इस एम्प्लॉय के हमें लेना है, इसके हमें लेना है, इसके लिए इस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल की होल्ड करके रखना, यही सेम डेट हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, तो स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको पुट करना है, तो जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा टू स्मॉल ब्लैक पल्सेस में। उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है। ठीक है, कहाँ तक आपको करना है, ठीक है, ये सेम डेट यहाँ पर आया है। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट अगर आप मैन्युअली यहाँ पर लिखेंगे वो भी ठीक है, चलो कि यहाँ पर हम ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, ये शॉर्टकट की फॉर टाइम। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, सेमी कोलन को हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर टाइम आया है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आया है 12:05 AM। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम इस टाइम को यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल सेम टाइम यहाँ पर आपको रखना है, यानी कि जो आने का वक्त है, ठीक है, चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे कुछ भी यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये टाइम हर किसी को यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, स्क्रीन पॉइंटर को यहाँ पर आपको पुट करना है, जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा टू स्मॉल ब्लैक पल्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है अप टू लास्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब ये चेंज करना है, यहाँ पर जैसे कि ड्यूटी स्टार्ट होती है 10 बजे से, तो यहाँ पर आपको 12 के बदले यहाँ पर आपको लिखना है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 के बदले हम लिखेंगे 10। ठीक है, लिखो 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप 10 बजे स्टार्ट होता है टाइम, ठीक है, चलो कि यहाँ पर 5 को इरेज करेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है, कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, माउस को पुट करना है यहाँ पर राइट सेल के बॉटम कॉर्नर पर, जो स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्टर का स्मॉल टू ब्लैक पल्सेस में आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये टाइम यहाँ पर आया 10 AM हर एक एम्प्लॉय को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एंड टाइम क्या होता है, कि ड्यूटी स्टार्ट होती है 10 बजे, तो जाने का वक्त होता है 6 बजे या 7 बजे, जो आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 बजे हम देंगे, ठीक है, चलो कि यहाँ पर हम यही की प्रेस करेंगे, अगर आप मैन्युअली भी यहाँ पर लिखेंगे, चलो कि यहाँ पर हम मैन्युअली लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जाने का वक्त 6। ठीक है, उसके बाद ये कोलन, उसके बाद यहाँ पर 00, फिर कोलन, ये टाइम फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद फिर 00,
ठीक है, उसके बाद स्पेस, तो उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है पीएम, ठीक है। तो इसी पीएम को आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हर एम्प्लॉय के हाँ में यहाँ पर पीएम 6 आना चाहिए या कुछ भी आना चाहिए, ठीक है। चलो कि यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे इसको, कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे अप टू लास्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग आवर्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो वर्किंग आवर्स अगर यहाँ पर ड्यूटी स्टार्ट होती है 10 बजे, तो 6 बजे वहाँ पर ड्यूटी खत्म होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि इन मुलाजिमों ने यानी कि इसने कितनी ड्यूटी दे दी है, इसने कितनी ड्यूटी दे दी है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल टू साइन इंटर करना है, उसके बाद आपको इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको दो शॉर्ट ब्रैकेट्स यहाँ पर शिफ्ट की होल्ड करके रखना है, वन शॉर्ट ब्रैकेट टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एंड टाइम यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद माइनस का निशान लगाना है। माइनस का निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट टाइम पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है, यानी कि स्टार का निशान लगाना है। स्टार का निशान हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जरब के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 24 लिखना है। 24 क्यों हम लिखते हैं कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है। तो ड्यूटी कब स्टार्ट होती है, 10 बजे, तो 6 बजे तक कितने घंटे आते हैं, 8 घंटे आते हैं, ठीक है। अगर आप 8 घंटे यहाँ पर आपको 8 देना है, ठीक है, 8 देना है। अगर आपकी ड्यूटी 10 बजे स्टार्ट होती है तो 7 बजे जाने का वक्त है, ठीक है, फिर यहाँ पर 9 लिखो। अगर ड्यूटी स्टार्ट होती है 10 बजे तो जाने का वक्त 8 बजे, तो यहाँ पर आपको 10 लिखो, ठीक है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि 10 बजे से आप जाने का वक्त आपको वहां पर कैलकुलेट करना है, यानी कि स्टार्ट ड्यूटी होती है 10 बजे, जाने का वक्त है 6 बजे, यहाँ पर कितने घंटे आते हैं, 8 घंटे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटर करेंगे ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को यहाँ पर हम इंटर करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 8, क्योंकि 10 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 8 यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो 8 इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कामा डालना है, तो कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा 8 लिखना है, 8 लिखने के बाद, ठीक है, 8 इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा कामा इंटर करना है, कामा इंटर करने के बाद आपको दोबारा शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा एंड डेट टाइम एंड टाइम पर आपको क्लिक करना है, फिर दोबारा आपको माइनस का निशान लगाना है, फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट टाइम पर आपको क्लिक करना है, फिर शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा मल्टीपल साइन का निशान लगाना है, यानी कि स्टार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार लगाने के बाद यहाँ पर आपको 24 दोबारा लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला देने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। यहाँ पर 8 घंटे आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर्सर रखना है यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीन प्रिंटर पुट करना है, जो ही स्क्रीन प्रिंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में आपको ड्रैग करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 8 8 8 सबों को आया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो किस हिसाब से ये घंटे का उनको मिलता है, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर है ना, डॉक्टर, ठीक है, इसको कितना मिलता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें डॉक्टर को मिलता है 400 पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियर को मिलता है 300 पर आवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटेंट, चलो कि इसको मिलता है 250 रुपया पर घंटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैशियर यहाँ पर 200, ये हम एज्यूम करते हैं,
तो यहाँ पर लिखेंगे 130, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 120, ऐसे हम लिखेंगे, एज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 115, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 114, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि एक घंटे को किसको कितना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 110, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 105 रुपीस पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय यहाँ पर लास्ट चौकीदार, इसको मिलता है 90 रुपीस पर आवर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा बहुत चेंज टाइम करेंगे, ओवर टाइम हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवर टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो ओवर टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैंने क्या दिया, यानी कि डॉक्टर को कितना मिलता है हर घंटे, इसको कितना मिलता है, इंजीनियर को, अकाउंटेंट को, ये मैंने रेट लिखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ओवर टाइम आपको निकालना है। तो ओवर टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है, उसके बाद इफ यहाँ पर आपको लिखना है। इफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको शिफ्ट की होल्ड करके रखना है, दो शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यही फार्मूला देने, स्टार्ट एंड टाइम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड टाइम ये टेप पर आपको क्लिक करना है, सेल पर क्लिक करना है, ठीक है। माइनस का निशान लगाना है बीच में, उसके बाद स्टार्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मल्टीपल साइन का निशान लगाना है, यानी कि स्टार, ठीक है। स्टार लगाने के बाद 24 लिखो, ये आप मैंने आपको बताया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का साइन, ये ऑपरेटर लगाना है, साइन इंटर करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एड देना है, एड देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कामा देना है, कामा दे, थोड़े बहुत वो फार्मूला और ये फार्मूला थोड़ी बहुत हटके हैं, ठीक है, थोड़े बहुत फर्क है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर एंड टाइम सेल पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड टाइम पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको माइनस का निशान लगाना है, फिर आपको स्टार्ट टाइम पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल साइन का निशान लगाना है, उसके बाद 24 यहाँ पर आपको इंटर करना है। 24 इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, याद रखना -8 यहाँ पर आपको लिखना है, -8, ठीक है। उसके बाद कामा लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 0 लिखना है एग्जिट मैच के लिए, फिर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर की करने के बाद यहाँ पर आप 0 देखते हैं, क्योंकि 0 यहाँ पर क्यों है, ठीक है, यानी कि इसने ओवर टाइम कुछ नहीं किया है, कि 8 घंटे के बाद जो एम्प्लॉय यहाँ पर कुछ ओवर टाइम देगा यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिक। इस फार्मूला को आपको क्या करना है, इसको भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पॉइंट रखना है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अप टू लास्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ओवर टाइम में कितना मिलता है डॉक्टर को, अगर डॉक्टर ओवर टाइम करेगा एक घंटे को कितना मिलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखें 600, ठीक है। उसके बाद एज्यूम करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 500 इंजीनियर को मिलता है ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद 400, उसके बाद यहाँ पर 300, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। 200, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 190, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 170, यहाँ पर हम लिखेंगे 160, यहाँ पर हम लिखेंगे 150, यहाँ पर हम लिखेंगे 140, यहाँ पर हम लिखेंगे 135, तो ये हमने लिखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ड्रैग किया तो ये आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट प्रिंटर पर जाऊंगा, तो अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। तो
यहाँ पर हमें ओवर टाइम निकालना है। देखो यहाँ पर अगर इस डॉक्टर ने यहाँ पर ओवर टाइम नहीं किया, यहाँ पर इंजीनियर ने ओवर टाइम किया कि यहाँ पर इस ड्यूटी यहाँ पर 10 बजे स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर 6 बजे उसकी छुट्टी होगी, 6 बजे के बाद उसने यहाँ पर 6 बजे छुट्टी होगी, यहाँ पर उसने कितने बजे तक काम किया है, चलो कि 9 बजे तक काम किया है। यहाँ पर आपको 6 के बदले हम थोड़ा बहुत हम सीखते हैं, जैसे कि हम 9 लिखेंगे तो यहाँ पर ओवर टाइम यहाँ पर जरूरी आना चाहिए, जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 घंटे ओवर टाइम आ गए हैं, ठीक है, ये आप देखते हैं ना, ठीक है। चलो कि यहाँ पर ये जो अकाउंटेंट है इसने ओवर टाइम दिया, यहाँ पर 6 बजे छुट्टी होती है तो यहाँ पर ये निकल गया है ड्यूटी पर 10 बजे, 10 बजे शाम की, ठीक है। यहाँ की 6 को हम यहाँ पर इरेज करेंगे, कहाँ किस टाइम पर निकल गया, 10 बजे, ठीक है, पीएम, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 6 के बदले मैंने लिखा 10, ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाजिरी देखी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं 4 घंटे ओवर टाइम आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो ये जो सेल्स अकाउंट असिस्टेंट है उसने यहाँ पर 6 बजे इसको जाना था, उसने ओवर टाइम किया, यानी कि ये निकल गया है यहाँ पर कितने, यहाँ पर ये निकल गया है यानी कि 9 बजे, ठीक है, सॉरी इसको 6 को इरेज करना है, यहाँ पर ये 10 बजे निकल गया है, चलो कि 10 PM, ठीक है, इंटर की प्रेस की, ये क्लिक किया 4 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ओवर टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर हमें लास्ट पर निकालना है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अगर इसके 8 घंटे अपने ड्यूटी के कुछ नहीं है, अगर 8 घंटे तो फिर ओवर टाइम 3 घंटे तो इसका कितना अमाउंट आ गया, ठीक है, टोटल कितने घंटे बन गए, 8 दिन में इसने कितने घंटे किए हैं इंजीनियर ने, ठीक है, 8 3 हो गए 11, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि 8 घंटे के हिसाब से इसको कितना मिलता है, 1 घंटे को 3 8 3 को 24 2400 और उसके बाद 3 घंटे को अलग मिलेगा 1500, ठीक है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको टोटल अमाउंट निकालना है आवर्स का, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, कितने इसने ड्यूटी दे दी 8 घंटे, इस पर आपको क्लिक करना है, तो मल्टीपल का साइन आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन इंटर करने के बाद यानी कि स्टोर का निशान लगाना है, ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जरब के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद 1 घंटे की कितनी रेट मिलती है उसको, ठीक है, यानी कि 400, यहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, तो यहां पर प्लस का निशान लगाने के बाद यहां पर ओवर टाइम, ठीक है, तो ओवर टाइम उसने कितना दिया है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आपको लगाना है स्टोर, ठीक है, जरब लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन का, तो यहां पर ओवर टाइम रेट कितनी है, ठीक है, 600, यहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर की करने के बाद यहां पर आप देखते हैं, ठीक है, यहां पर आप देखते हैं कि इसका जो टोटल अमाउंट आया है 3200, ठीक है, यानी कि 8 चुके को 32, ठीक है, इसने ओवर टाइम कुछ नहीं किया। अब यहां पर जो एम्प्लाइज है, ठीक है, तो आप यहां पर आपको निकालना है टोटल अमाउंट, यहां पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है, उसके बाद ड्रैग करना है नीचे, तो आप देखते हैं यहां पर, तो आप जो इंजीनियर है इसका जो मिलता है 300 पर घंटा, गो 8 या गो 24, ठीक है, 24 प्लस 15 हो गए ना 3900, ठीक है। तो असल में अगर उसने ये 3 घंटे नहीं किए तो कितना मिल जाएगा उसको, 8 या 24 2400, ठीक है, लेकिन उसने 3 घंटे एक्स्ट्रा किए हैं तो वो बनते हैं 1500 प्लस, ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको कितना मिलता है 15 यानी कि टोटल आवर्स कितने बन गए उसके, ठीक है, 8 11 घंटों में इसने कितना लिया है, ठीक है, 3900। उसके बाद यहाँ पर अगर दूसरा देखेंगे, 8 घंटे उसने ड्यूटी दिए है, ठीक है, 8 घंटे के हिसाब से 2250 रुपए पर घंटा, ठीक है,
तो वो कितना अमाउंट बनता है? वो अमाउंट बनता है 2000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 घंटे एक्स्ट्रा, ठीक है, वो गो 1600 बना 3600, ठीक है। तो ये हमने निकाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ओवर टाइम कितना बन गया, अगर आपको यहाँ पर आपको ये ओवर टाइम कितना एम्प्लॉयज ने कितना ओवर टाइम टोटल किया है, ठीक है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेल रखनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल करना है। ऑल्ट प्लस इक्वल करने के बाद प्रेस एंटर की करना है। टोटल ओवर टाइम यहाँ पर आप देखेंगे, टोटल ओवर टाइम यहाँ पर आया, टोटल ओवर सॉरी, यहाँ पर ये हमें टोटल ओवर टाइम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, सॉरी, यहाँ पर हमें टोटल ओवर टाइम कितना आ गया, यहाँ पर ये 3, 4, 7, 11, ठीक है। यहाँ पर 11, यहाँ पर आपको ऑल्ट प्लस इक्वल करना है, प्रेस एंटर की करना है, 11 घंटे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या टोटल आवर्स कितने उन्होंने किए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत फॉर्मेट पेंटर पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप टोटल टोटल आवर्स रेट, ठीक है, यानी कि ये 65, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल वर्किंग, यहाँ पर भी ऑल्ट प्लस इक्वल करेंगे, प्रेस एंटर की करेंगे, कितने घंटे आ गए टोटल, 88 घंटे। तो यहाँ पर भी हम सीखते हैं सम करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम रेट, ये ओवर टाइम रेट ये हमें नहीं निकालना है, ठीक है। टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बनता है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया ऑल्ट प्लस इक्वल, ठीक है, प्रेस एंटर की, टोटल अमाउंट ये बन गया है, ठीक है। ₹19,332 एक दिन में, ठीक है। तो उसी हिसाब से आज हमने सीखा है कि कैसे हम ये ओवर टाइम निकालते हैं, उसका हम कैसे टोटल अमाउंट हमने निकाला है, कैसे हमने आवर्स यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट्स भी दिखाए आपको, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शब्बा खैर।